आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुंबई के कई इलाकों में बिजली संकट, लोकल ट्रेन सेवा भी प्रभावित। कोटों का सौदा करते हैं कौम के ठेकेदार। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर लगाए आरोप। भारतीय जनता पार्टी को कोई गैर मुस्लिम माफिया नजर नहीं आते, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कही ये बात। हिजाब और शरिया कानून कोड ऑफ कंडक्ट लगाकर कर देना चाहिए खत्म। हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगाड़िया ने दिया ये बड़ा बयान। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले हुआ धमाका, दो की मौत और कई घायल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक, यूक्रेन की मदद के हुए ट्वीट। अब समाचार विस्तार से। देश में सड़क एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करने की बजाय उनका उल्लंघन करते हैं। ऐसा करने से वो अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालते हैं। बीदर के इलाका शाहपुर गेट पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को रोक कर उन पर बीदर ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालानात किए जा रहे हैं, साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। केपी न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न और हिंसा के विरोध में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने शनिवार को बेंगलुरु में एक मार्च निकाला। 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने क्रांतिवीर संगोली रायण्णा रेलवे स्टेशन से फ्रीडम पार्क तक मार्च निकाला और अधिकारियों से संविधान द्वारा गारंटीकृत गरिमा, स्वायत्तता, बहुलता और शांति को बनाए रखने का आग्रह किया। वाक में भाग लेने वाले छात्रों, शिक्षाविदों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों और अन्य लोगों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। पावर कट होने से मुंबई की लाइफलाइन कहीं जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा ठप हो गई है। BMC की तरफ से ट्वीट में कहा गया है कि कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। हमारी टीम इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मैदान पर है। 1 घंटे में बिजली आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है। असुविधा के लिए हमें खेद है। हालांकि मुंबई सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने भी ट्वीट किया है। रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शिवाजी एम सुतार ने अपने ट्वीट में लिखा कि सुबह 9:49 से HB और मेन लाइन पर बिजली आपूर्ति ठप रही। सभी कॉरिडोर पर ट्रेनें चल रही हैं। बेस्ट के अधिकारियों ने बताया कि बिजली की बहाली के काम में तेजी लाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना हिस्सा खोज रही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को बलरामपुर जिले की उतरौला विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान खान के लिए एक जनसभा को संबोधित किया, उनके लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने केवल अमित शाह को आड़े हाथों नहीं लिया बल्कि अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटों का सौदागर बताया। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्होंने सऊदी अरब की घटना का जिक्र करते हुए सबसे लंबा फेंकने वाला बताया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल हमें BJP की बी टीम बताते हैं। 2017 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, तब BJP भारी बहुमत से सत्ता में कैसे आई। मुस्लिम वोटों का बंटवारा सपा बसपा और कांग्रेस में होने के कारण BJP सत्ता में आती है। हमारी कौम के ठेकेदार हमारे वोटों का सौदा करते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तहत आज रविवार को उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान हो रहा है। इसके तहत 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। इस चरण में UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा, पल्लवी पटेल समेत कई नेताओं की किस्मत EVM में कैद होगी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई गैर मुस्लिम माफिया नजर नहीं आते, वो जो नेपाल सीमा पर देवी पाटन में भरे पड़े हैं। मायावती ने गोरखपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने जाति और संकीर्ण मानसिकता के कारण दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों की हर स्तर पर उपेक्षा की है। उन्होंने मुसलमानों के कल्याण पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रतिशोध के लिए उन्हें अधिकांश कल्पित मामलों में फंसाकर नष्ट करने की पूरी कोशिश की है।
भारत में हिजाब को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में सोनीपत पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने रूस का उदाहरण देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया है, उसी तरह भारत में भी हिजाब और शरिया कानून पर कोड ऑफ कंडक्ट लगाकर इसको खत्म कर देना चाहिए। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश का कानून चलेगा, कब्रिस्तान का नहीं। उन्होंने कहा ये सब जब सिद्ध होगा जब सरकार कॉमन सिविल कोर्ट में कानून लेकर आएगी। प्रवीण तोगड़िया ने उत्तर प्रदेश चुनाव पर बोलते हुए कहा कि अब की बार उत्तर प्रदेश का किसान सरकार से नाराज है और अब की बार योगी और जोगी की राह उत्तर प्रदेश में कठिन होने जा रही है। वहीं उन्होंने देश में हिंदुत्व पर बोलते हुए कहा कि अभी हम ये नहीं कह सकते देश पूरा हिंदुत्व की तरफ जा रहा है। हमारा सिर जब गर्व से ऊंचा होगा जब आसाम में बसे 50 लाख बांग्लादेशियों को गाड़ी पकड़कर वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों को जिहादियों के घर में बसाने का काम सरकार को करना होगा। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है, आइए देखते हैं आगे के समाचार। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले शनिवार को बम धमाका हुआ, इसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। ये घटना मणिपुर के चुरचंदपुर जिले में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये धमाका बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के निकट एक पुराने मोर्टर में विस्फोट के कारण हुआ है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस धमाके का किसी उग्रवादी गुट या अराजक तत्वों से कोई संबंध नहीं दिखता है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कुछ ग्रामीण पुराने मोर्टर को तोड़कर कबाड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। ये मोर्टर बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर की फायरिंग रेंज में उन्होंने इकट्ठा किया था, लेकिन ग्रामीणों को इस बात का एहसास नहीं था कि ये मोर्टर उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में उस पर वार करते हुए ये जोरदार आवाज के साथ फट गया। इसमें 2 ग्रामीणों की मौत हो गई और आधा दर्जन के करीब घायलों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट रविवार को हैक हो गया, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नड्डा का ट्विटर अकाउंट कुछ वक्त के लिए हैक हुआ था। हालांकि अकाउंट के रेस्टोर होने से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक यूक्रेन और वहां के लोगों की मदद से जुड़े ताबड़तोड़ ट्वीट किए गए। नड्डा के अकाउंट से ट्वीट कर कहा गया कि सॉरी, मेरा अकाउंट हैक हो गया था। उसमें ये भी लिखा था कि रूस को दान करने की जरूरत है। उनके अकाउंट से हुए ट्वीट में कहा गया, यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हों, अब क्रिप्टोकरेंसी से भी दान स्वीकार किए जा रहे हैं। बिटकॉइन और एथेरियम के जरिए मदद पहुंचाई जा सकती है। इन सभी ट्वीट्स के पब्लिक होते ही हड़कंप मच गया। ऐसे ही एक ट्वीट में लिखा था कि अकाउंट हैक नहीं हुआ है, सभी दान यूक्रेन की सरकार को दिया जाएगा। एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी कमबैक फिल्म को लेकर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। जल्द ही उनकी फिल्म चकदा एक्सप्रेस रिलीज की जाएगी। वहीं बीते दिनों उन्होंने इसी फिल्म से जुड़ा एक पोस्टर शेयर किया था। ये एक तस्वीर थी जिसमें अनुष्का शर्मा बॉलिंग करती नजर आ रही है। वहीं अब अनुष्का ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनका अंदाज काफी कूल नजर आ रहा है।
अनुष्का शर्मा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वे शूटिंग सेट पर पेंटिंग करती नजर आ रही हैं। इस पेंटिंग में वे बैकअप लिखती हैं, इसके साथ ही हॉट इमोजी बनाती हैं। इससे यही मालूम पड़ता है कि उनकी फिल्म का काम पूरी तरह पूरा हो गया है या फिर वे अपने किसी और प्रोजेक्ट को पूरा कर चुके हैं। रूसी सेना ने रविवार सुबह यूक्रेन के वासिलेक्यू में एक तेल डिपो पर मिसाइल हमला किया और खार्क्यू में एक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। सूचना के अनुसार पहला धमाका यूक्रेन की राजधानी क्यू से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण में वासिलेक्यू शहर में हुआ। एक बड़ा सैन्य हवाई अड्डा और साथ ही कई ईंधन टैंक भी हैं। दूसरा धमाका यूक्रेन के खार्क्यू में हुआ, जहां रूसी सुरक्षा बलों ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन गिराशेंको ने बताया कि एलओ तेल डिपो को एक मिसाइल ने निशाना बनाया। बचावकर्मी मौके पर पहुंचे। विस्फोट में किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधा है और कहा कि समस्या ये नहीं है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत स्मार्ट हैं, बल्कि हमारे नेता गूंगे बहरे। राजनीतिक निर्वासन में रह रहे ट्रंप के यूक्रेन संकट के बहाने बाइडेन और नाटो पर आक्रमण कर शनिवार को लाइमलाइट में आ गए। उन्होंने अपने झूठे दावों को फिर दोहराया कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की चोरी की गई थी। यूक्रेन की राजधानी क्यू में बड़े पैमाने पर हुए विस्फोटों से चमक रहे आसमान के बीच ट्रंप ने जहां यूक्रेन पर रूस के हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कमजोरी को जिम्मेदार ठहराया, वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बुद्धि की प्रशंसा की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुंबई के कई इलाकों में बिजली संकट, लोकल ट्रेन सेवा भी प्रभावित। वोटों का सौदा करते हैं कौम के ठेकेदार। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर लगाए आरोप। भारतीय जनता पार्टी को कोई गैर मुस्लिम माफिया नजर नहीं आते, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कही ये बात। हिजाब और शरिया कानून कोड ऑफ कंडक्ट लगाकर कर देना चाहिए खत्म। हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगाड़िया ने दिया ये बड़ा बयान। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले हुआ धमाका, दो की मौत और कई घायल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक, यूक्रेन की मदद के हुए ट्वीट। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।